योग दिवस पर बना वैक्सीनेशन का महारिकॉर्ड। एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोविड टीका। 16 लाख टीके लगाकर मध्य प्रदेश ने मारी बाजी। वैक्सीनेशन के महारिकॉर्ड पर पीएम मोदी बोले, वेल डन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में 18 से ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे में योग दिवस के अवसर पर भारत ने वैक्सीनेशन अभियान में महारिकॉर्ड कायम किया है। जानकारी के मुताबिक भारत में लगभग 85 लाख लोगों को योग दिवस के दिन टीकाकरण किया गया है। cowin.gov.in पर दिए गए डेटा के मुताबिक अब तक 85,15,765 वैक्सीन डोज लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर किया गया वैक्सीनेशन। दरअसल देश के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। इस दौरान पूरे देश में करीब 68,000 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। इनमें से 18 से 44 साल के 55 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिनमें से सबसे ज्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश में करीब 15 लाख लोगों को लगाई गई, जो निर्धारित लक्ष्य 10 लाख से कहीं ज्यादा थी। वहीं हरियाणा ने 2.5 लाख का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 4.7 लाख वैक्सीनेशन हुआ। गुजरात में करीब 5 लाख वैक्सीनेशन हुआ, कर्नाटक में 10 लाख वैक्सीनेशन हुआ, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 6.6 लाख वैक्सीनेशन हुआ, जबकि पंजाब, दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। वहीं महाराष्ट्र में 3.6 लाख वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा। देश में सोमवार को जितने लोगों को टीका लगाया गया, उससे कम आबादी वाले दुनिया में 134 देश हैं। इनमें हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कुवैत, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत में एक दिन में इजराइल और स्विट्जरलैंड की आबादी के लगभग लोगों को टीका लगाया गया है। इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में अब तक एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका लगा है। ये रिकॉर्ड 4 अप्रैल को दर्ज हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में अब तक कुल 6,087 लाख डोज लगे हैं। इससे करीब 1.5 गुना भारत में एक दिन में ही लगा दिए गए। वहीं देश में रिकॉर्ड लोगों को वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ये रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन खुश करने वाला है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया। सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बधाई जिन्होंने सुनिश्चित किया कि इतने सारे लोगों को टीका लगे। वेल डन इंडिया। आपको बता दें कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र के हर नागरिक को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।